अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और आपके दिमाग में एक अच्छी सी स्टोरी है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और आप उस पर फिल्म लिख सकते हो, तो आप जीत सकते हैं 25 लाख रुपए। जी हाँ, नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। मैं आज बात करूंगा सिनेस्तान इंडियाज स्टोरी टेलर्स स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट के बारे में। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी स्टोरी जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर, एक नए कॉन्सेप्ट पर बना हुआ हो। आपको 2500 शब्दों के बीच में, यानी 2500 शब्दों के अंदर ही आपको इसका सिनॉप्सिस लिखना है और इसे आपको ऑनलाइन जमा करना है सिनेस्तान.com के वेबसाइट पर। देखिए, ये पोर्टल ऑनलाइन है और इसमें आप किसी भी तरह से ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते हैं, यानी आप डाक द्वारा या बाय हैंड या कुरियर के द्वारा आप इसमें एंट्री नहीं पा सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही इसमें एंट्री करनी होगी और इसकी जो फीस है वो रखा गया है 1500 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल फीस है और आपका एज 18 से ऊपर होना चाहिए और आप अपने साथ साथ एक या दो को राइटर्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और साथ ही अपने बारे में भी 250 शब्दों में कुछ चीज़ लिख करके इसके अंदर आपको जमा करना है। और जो ये फर्स्ट राउंड हो रहा है, ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है, इसी महीने की 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 2019 तक ही आपको इसमें भाग लेना है। और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो फीचर फिल्म के लिए लिखी हुई होनी चाहिए, किसी टेलीविज़न शो, रेडियो या वेब सीरीज इनके लिए नहीं, ये फीचर फिल्म के लिए लिया जा रहा है, जिसे आप रोमन अक्षर में या देवनागरी में या इंग्लिश में आप लिख कर देंगे। किसी दूसरे भाषा में अगर आप लिखते हैं तो आप अमान्य हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके जो वेबसाइट है सिनेस्तान.com, उसमें आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगे कि कैसे कैसे आपको जमा करना है। और इसका फर्स्ट राउंड जो है ये 22 जनवरी तक ही है इसका डेट, और उसके बाद अगर आपको सेकेंड राउंड में आपको मौका मिलता है तो मार्च में आपको इसकी, इस फिल्म की जो आपने लिखा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको जमा करना होगा। और आपका जो सिनॉप्सिस है, आपकी जो स्टोरी है, वो SWA यानी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ये इसमें आप भाग ले सकते हैं। और आप जो ये स्क्रिप्ट जमा कर रहे हैं वो इससे पहले किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को आप न दिए हो या कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जमा न हुआ हो, तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइस पर। फर्स्ट प्राइस 25 लाख रुपये रखा गया है, जो काफ़ी अच्छा रकम माना जाता है। सेकेंड प्राइस यानी फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 10 लाख रुपये, सेकेंड रनर अप को मिलेंगे 7 लाख, थर्ड रनर अप को 5 लाख और फोर्थ रनर अप तक को प्राइस दिया गया है 3 लाख रुपए का, यानी कुल मिलाकर 50 लाख रुपए का प्राइस है। और ज्यूरी मेंबर्स की बात करेंगे तो ज्यूरी मेंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आमिर खान जी हैं, राजकुमार हिरानी जी हैं, इन जैसे दिग्गज लोग इसके ज्यूरी के मेंबर हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा आपको मंच मिल रहा है अपने कृति को, अपने कैलिबर को, अपना जो आपके पास जो हुनर है उसको दिखाने का। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने पास कोई स्टोरी रखे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे जगह पर इसको मंच मिले, तो इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अभी भी 10-12 दिन का टाइम है, अगर आपने SWA में अपने को रजिस्टर्ड नहीं कराया है या उसका आपको मेंबरशिप नहीं लिया है, तो अभी भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं और अपनी स्टोरी को रजिस्टर्ड करा कर इसमें आप जमा कर सकते हैं। तो अच्छा, आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे पास तो ढेर सारी स्टोरी हैं, कौन सा स्टोरी मैं दूं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप वही स्टोरी दें जो पूरी तरह से मौलिक हो, यानी आपका अपना हो। जो ज्यूरी मेंबर्स हैं वो लोग स्मार्ट हैं, आप कहीं से भी किसी फिल्म से लेकर के, किसी उपन्यास से लेकर के अगर आप कुछ मिला करके अगर देंगे तो पकड़ में आ जाता है। तो आपकी अपनी कहानी होना चाहिए, कुछ नया करिए, कोई भी बजट का आप सोच सकते हैं इसमें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट यूनिक होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आपके फर्स्ट लाइन से, जो आप इसके सिनॉप्सिस जमा करेंगे उसके फर्स्ट लाइन से ऐसा लगना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर ज्यूरी मेंबर को इंटरेस्ट जग गया तो डेफिनेटली आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपके टाइम दिया जाएगा ताकि सेकेंड राउंड के लिए आप कंप्लीट स्क्रिप्ट तैयार कर सकें। इस कॉन्टेस्ट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ भी आपको पूछना है, तो मेरे डीजी फिल्मिंग में नहीं बल्कि आपको सिनेस्तान.com के वेबसाइट पर जाना होगा। उनके रूल्स, रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इतने विस्तार से दिए गए हैं कि आपको पूरी तरह से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्वेरी रहेगी तो उनके ईमेल आईडी भी वहां पर दिया हुआ है, उस ईमेल पर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपने सिनॉप्सिस का स्कैन कॉपी आपको जमा करना होता है, ध्यान रखिएगा, और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते जाएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होता जाएगा। टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी करिए। और इस तरह की वीडियो अगर आपको और भी
देखना है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे उत्साह मिलेगा और मैं इस तरह की जो भी जानकारी मुझे मिलती रहेगी वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाए। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।